हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन जो क्लास लेके आए हैं MCQs एलिमेंट्री कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स, जिसके अंतर्गत अपन है ना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, MS ऑफिस है, इससे रिलेटेड है ना कुछ क्वेश्चंस को अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है द एक्सटेंशन नेम ऑफ ए फाइल इन MS-DOS इज, कि MS-DOS में अपन कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो अपन MS-DOS में जो फाइल बनाएंगे ना, तो MS-DOS में कौन सी फाइल बनती है, टेक्स्ट फाइल बनती है। तो टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .txt होता है। टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .txt होगा। तो इसका आंसर है ना D होगा। D पे आप टिक करोगे तो करेक्ट आंसर इसका D होगा। exe क्या होता है कि ये कमांड फाइल का या जो भी अपने MS-DOS में क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड होते हैं। तो इंटरनल कमांड या आपका एक्सटर्नल कमांड है, उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो या तो .exe होता है या .com होता है, जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ग्राफिक्स फाइल होती है पेंटब्रश, उसमें .bmp होता है, ये विंडोज के अंदर होता है। doc फाइल होती है डॉक्यूमेंट, ये MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। तो डॉस के अंदर अपन कोई फाइल बनाते हैं, फाइल बनाने के लिए या तो अपन एडिटर का यूज करते हैं, एडिट है ना, या फिर अपन कॉपी कोन करके अपन डॉस के अंदर टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है .txt में है ना फाइल का एक्सटेंशन होगा। तो एडिट से फाइल जो बनती है वो .txt में MS-DOS में txt एक्सटेंशन से फाइल बनेगी। फाइल एक्सटेंशन डॉट के बाद में 3 करेक्टर्स जो होते हैं, एक फैमिली नेम हो गया जिससे फाइल की एक आइडेंटिफाई हो जाती है कि कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है। तो अपना पहला क्वेश्चन में D पे है ना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई बार क्या अपन ऑनलाइन है ना जैसे परचेज कर लेते हैं और अपना पेमेंट भी हो जाता है, फिर अपने को है ना डिलीवर्ड नहीं होता है ना, कोई भी आइटम्स अपन ने मान लो ऑनलाइन परचेज किया और आपका पेमेंट भी कट गया और डिलीवर्ड नहीं हुआ। तो इस तरह के जो फ्रॉड होता है उसको अपन कौन सा फ्रॉड कहेंगे। तो अपना क्वेश्चन हो गया ना, आफ्टर रिसीविंग पेमेंट्स इफ द प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसको अपन है ना परचेज फ्रॉड कहेंगे। या आपका ये फिशिंग अलग होता है ना, ये ऑनलाइन ऑक्शंस फ्रॉड अलग होता है, ऑनलाइन रिटेल फ्रॉड अलग होता है। फिशिंग अपन किसको बोलते हैं कि जी ये एक तरह से अटैक है, साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया जाने वाला यह एक अटैक होता है फिशिंग, जिसका मुख्य मकसद होता है यूजर की गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल जानकारी को है ना हासिल करके और अपन को ये जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है ना, ये जो भी अपने ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड कार्ड होते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को चुरा कर गलत यूज करना होता है, उसको अपन है ना फिशिंग बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी इंटरनेट में है ना साइबर क्राइम में बहुत यूज होता है फिशिंग। ये बहुत ज़्यादा लोग अपन को धोखाधड़ी करके अपन से ये क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर लेकर ना अपने अमाउंट को खाली कर देते हैं, बैंक अकाउंट्स को। तो उसको अपन है ना फिशिंग कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो फिलहाल अपन को यहाँ पे जो आंसर देना है वो पेमेंट होने के बाद में अगर प्रोडक्ट नॉट डिलीवर्ड होता है तो परचेज्ड फ्रॉड कहेंगे उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ए प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर्स टू पोस्ट मैसेज और आर्टिकल फॉर अदर पीपल्स टू रीड, तो मतलब एक तरह से वह प्रोग्राम जिससे यूजर दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए मैसेज या आर्टिकल पोस्ट कर सकता है, तो उसको अपन है ना क्या कौन सा प्रोग्राम कहेंगे। तो गोफर तो अलग होता है ना, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर में अपन कुछ न्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू कुछ पब्लिश्ड करके है ना रिलीज कर सकते हैं। और इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका B, न्यूज़ ग्रुप कहेंगे अपन। तो एक पूरा न्यूज़ चैनल हो गया, न्यूज़ ग्रुप हो गया, जिसमें अपन है ना टेक्स्ट मैसेज को या आर्टिकल को अदर पीपल्स को पढ़ने के लिए अपन है ना रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ ग्रुप रहेगा। यहाँ पे गोफर का क्या रोल है कि गोफर होता है, गोफर एक प्रोटोकॉल होता है। कोई पूछे ना गोफर क्या है, GOPHER, तो गोफर एक प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्च करना, रीड करना है ना आदि कार्यों के लिए किया जाता है। यह भी TCP/IP एप्लीकेशन के लेयर का प्रोटोकॉल है। तो ये गोफर एक प्रोटोकॉल्स है जिसमें डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्च करना, रीड करना, ये कार्य होता है गोफर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th नंबर का अपना क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग ए नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालिशियस सॉफ्टवेयर इज, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा टोर्जन हॉर्स है। तो ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालिशियस प्रोग्राम है, इलीगल प्रोग्राम है, एक वायरस कह सकते हो, मेलवेयर कह सकते हैं अपन इसको। तो ये टोर्जन हॉर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर है ना सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। वायरस, वर्म्स एंड टॉर्जन हॉर्स, तीन हो गया अपने पास। एक तो वायरस है, एक वर्म्स है, एक टॉर्जन हॉर्स है। आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है मेलवेयर। मेलवेयर के अंदर ये स्पाईवेयर भी आ जाता है। मेलवेयर के अंदर वायरस भी हो जाता है, वर्म्स भी हो जाता है, टॉर्जन हॉर्स भी हो जाता है। ये कंप्यूटर में अपना नेटवर्किंग का है ना, अपना डेटा जो है इनको पूरा डैमेज कर देते हैं और मल्टीपल वे में है ना ये रेप्लिकेट होते हुए, बढ़ते हुए चलते हैं। ऐसे मान लो ये रिपीट होते हुए, ऐसे कई तरह के खतरनाक वायरस होते हैं। तो इनको वायरस को, वर्म्स को और टॉर्जन हॉर्स को अपन मेलवेयर के नाम से जानेंगे। तो इसका आंसर सी होगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा 5th नंबर में। 6 नंबर का अपन क्वेश्चन देखें। द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल एट विच वायरलेस नेटवर्क आर इम्प्लीमेंटेड इज। OSI की जो ओपन सोर्स है ना इंटरकनेक्ट, ये एक मॉडल हो गया जिसमें अपने पास है ना 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर्स में एक वायरलेस नेटवर्क को जो अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वायरलेस नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट होगा, सिंपल सी थ्योरी है। तो ये फिजिकल लेयर पे काम करेगा। ये फिजिकल लेयर के बाद में जस्ट फिर इसका रोल शुरू होता है डेटा लिंक का। तो अपने पास अपन इसका करेक्ट आंसर अपन है ना फिजिकल लेयर्स देंगे यहाँ पे। फिजिकल्स लेयर एक तरह से स्टार्टिंग लेयर कह दो, ये पूरा हार्डवेयर का अरेंजमेंट होगा वो फिजिकल लेयर में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईमेल, ऑनलाइन गेम्स, वायरस डेस्कटॉप, डेटाबेस प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड CRM आर प्रोवाइडेड इन। तो ये कौन प्रोवाइडेड करेगा? ईमेल है, ऑनलाइन है, गेम वर्चुअल डेस्कटॉप है, डेटाबेस प्रोसेसिंग है, इन्वेंट्री है, कंट्रोल है, CRM है। ये निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये पास है ना, ये आई है, मतलब ये IAAA से, ये एल नहीं है, ये आई होगा यहाँ पे। एक हो गया सास हो गया ये। तो ये तीन क्या है, एक तरह से सर्विस एज है, एक तरह से कंप्यूटिंग सर्विस एज है जो क्लाउड में यूज होती है। अब क्लाउड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अपन आजकल जितने भी लेटेस्ट अपन एनवायरनमेंट में डेटाज को ना इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं वो क्लाउड के थ्रू करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर को भी यूज करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अपन यूज करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अपन ये जो ईमेल है, ऑनलाइन गेम्स है, वर्चुअल डेस्कटॉप है, डेटा प्रोसेसिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है एंड CRM है, ये कौन प्रोवाइडेड करता है? तो ये एक सर्विस एज है जो अपन कहेंगे सेस, SAAS। अब ये सेस है ना, पास है, IAAS है, ये क्या है? तो ये अपन ने बताया कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 ये मेन टाइप की सर्विस एज है, जिसमें एक तो होता है SAAS, इसका पूरा हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। PAAS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। IAAS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। 3 तरह की ये अपने पास सर्विसेज होती है क्लाउड की। तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। तो ये SaaS एक सर्विस हो गई जिसके थ्रू अपन ईमेल, ऑनलाइन गेम्स, वर्चुअल डेस्कटॉप, डेटाबेस प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल्स एंड CRM ये प्रोवाइड करती है अपन को, ये है ना। सो SaaS इसका करेक्ट आंसर होगा B। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी को लेके आए क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखें। इन क्लाउड कंप्यूटिंग द क्लाउड इंक्लूड्स, कि क्लाउड्स के अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में पूरा नेटवर्क भी होता है, ऑल ओवर अपन वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, है ना। पूरा स्टोरेज डिवाइसेज होती है जिसमें सर्विसेज भी होगी। तो तीनों को अपन है ना सर्विसेज को अलाउ कर सकते हैं, तीनों ये इंक्लूडेड होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो इस पर ना डी पे टिक करोगे। नेक्स्ट देखो। द सिस्टम्स दैट एक्ट्स एज ए डायरेक्टरी सर्वर। तो एक सिस्टम्स है, सिस्टम्स मतलब यहाँ कंप्यूटर सिस्टम्स कह दो, वो एक जो डायरेक्टरी सर्वर की तरह है ना एक्ट्स करता है ना। यस, वह सिस्टम जो एक डायरेक्टरी सर्वर की तरह कार्य करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तो ऐसे जैसे डायरेक्टरी सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, प्रिंट सर्वर होता है, तो ये एक ऐसे मान लो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर कह दो, सेंट्रलाइज सिस्टम्स कह दो। तो जो P2P है ना, P2P पीयर्स टू पीयर, P2P का मतलब हो गया पीयर टू पीयर। इसको शॉर्ट में अपन है ना एक ये कनेक्टिविटी कर दो कंप्यूटर्स की। तो इसमें एक सेंट्रलाइज डायरेक्टरी सर्वर क्या होता है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, इसमें एक सिंगल कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं इन्फॉर्मेशन एज ए डायरेक्टरी फॉर्म में होती है तो उसको डायरेक्टरी सर्वर कहेंगे। तो ये केंद्रीय P2P होगा, तो इसका करेक्ट आंसर P2P होगा। यहाँ पे तो P2P पे आप यहाँ टिक करोगे तो इसका A पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ISP, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट आप सब यूज करते हो, डिफरेंट अपने पास है ना एजेंसियाँ हैं जो इंटरनेट सर्विस को अपने को प्रोवाइड करती है। तो जैसे एयरटेल है, BSNL है ना, BSNL है, जियो हो गया आपका, ऐसे और भी है ना कई सारी एजेंसी होंगी जो अपन को इंटरनेट सर्विस देती है। तो ISP का जो पूरा अर्थ हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कह दो जिसके थ्रू अपन इंटरनेट की सर्विस लेते हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखो, Devices on one network can communicate with devices on other network. तो मतलब एक नेटवर्क की डिवाइसेज दूसरे नेटवर्क की डिवाइसेज के साथ निम्न के माध्यम से संपर्क कर सकती है। मतलब एक नेटवर्क एक अदर नेटवर्क, दोनों डिवाइसेज को अपन है ना एक तरह से कम्युनिकेट करना चाहें तो अपन कैसे कर सकते हैं। तो फाइल सर्वर नहीं होगा इसका आंसर, प्रिंटर सर्वर नहीं होगा, है ना, गेटवे नहीं होगा, तो यूटिलिटी सर्वर होगा। एक यूटिलिटी सर्वर कह दो आप इसको, जिसके थ्रू अपन कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के माध्यम से अपन संपर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मतलब। तो यूटिलिटी सर्वर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच हार्डवेयर इज यूज्ड इन वेन वाइड एरिया नेटवर्क। W का मतलब हो गया वाइड, A का मतलब हो गया एरिया और N का मतलब हो गया नेटवर्क। तो दो या दो से अधिक नेटवर्क के आपस में कनेक्टिविटी कर दो, एक LAN 1 कर दो, है ना, ऐसे LAN 1 है, एक लोकल एरिया नेटवर्क 2 है, तो इनको अपन कैसे जोड़े, तो ये है ना ये कैसे कनेक्टिविटी हो। तो अपन इस दो लेन या दो से ज़्यादा लेनों के बीच में अगर अपन कनेक्टिविटी ले लें तो वाइड एरिया नेटवर्किंग बोलते हैं अपन उसको। तो ये कनेक्टिविटी कैसे ले सकते हैं, तो ब्रिज के थ्रू नहीं ले सकते अपन, गेटवे के थ्रू नहीं ले सकते, है ना, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा राउटर। राउटर के थ्रू ये पूरा है ना अपन कनेक्टिविटी ले सकते हैं, दो नेटवर्क के बीच में राउटर के थ्रू ले सकते हैं। तो सी कर दो आप यहाँ पे, तो लेन और वेन के बीच में है ना ये राउटर एक हार्डवेयर डिवाइसेज यूज होती है ना, तो ये इसमें राउटर पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन OCR, तो अपने पास क्या होता है कि इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस में आपने MICR का नाम सुना है, इनपुट डिवाइस में आपने OMR का नाम सुना है, इनपुट डिवाइस में OCR का नाम सुना है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, तो सी का मतलब यहाँ कैरेक्टर है। तो हैंड रिटन कैरेक्टर्स होंगे, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होते हैं वो, जिसको ये पढ़ने के लिए OCR एक मतलब वो कह दो आप इनपुट डिवाइस कह दो। तो केवल हाथ से लिखे डॉक्यूमेंट द्वारा ही डेटा एंट्री की जा सकती है। OCR हाथ से लिखेंगे अपने, फिक्स फॉर्मेट होता है, उसमें अपन कोई भी कैरेक्टर्स को ना पूरे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये OCR के थ्रू होगा। तो डेटा एंट्री इज पॉसिबल विद हैंड रिटन डॉक्यूमेंट ओनली, है ना, ये सी का आंसर होगा। MICR मैग्नेटिक इंक को रीड करता है, तो मैग्नेटिक इंक तो MICR के साथ जुड़ा होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जो मार्किंग होती है ग्रेफाइट पेंसिल या पेन से अपन जो सर्किल को डार्क करते हैं, उसको पढ़ने के लिए OMR होता है ना, OMR इंस्ट्रूमेंट कह दो या इनपुट डिवाइस कह दो। तो OCR तीनों ही इनपुट डिवाइस है, स्कैनर टाइप की इनपुट डिवाइस है, तो OCR भी एक डिवाइस है। तो हैंड रिटन जो अपना डॉक्यूमेंट्स होता है उसको अपन यहाँ डेटा एंट्री के काम में ले सकते हैं यहाँ पे, तो इसके आंसर पे सी करोगे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मशीन्स लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर, की मशीन लैंग्वेज होती है उसको अपन कौन से नंबर में अपन वो है ना प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो ये 0 और 1 दो ही कोड होते हैं। 0 1 को अपन बिट कहते हैं यहाँ पे, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स, आइदर 0 और 1। तो 0 1 की जो कोडिंग होती है वो मशीन लैंग्वेज की होती है, तो यहाँ पे सी पे की टिक करोगे, मशीन लैंग्वेज 0 1 में अपन यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच केस शुड बी प्रेज्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS Word। इस कोई भी पैराग्राफ को अपन को चेंज करना हो, नया पैराग्राफ शुरू करना हो, एक पैराग्राफ को क्लोज करना हो, तो सिंपल सा अपना एंटर की से अपन नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर्सर को डाउन एरो इससे नहीं होगा, शिफ्ट एंटर से नहीं होगा, कंट्रोल एंटर से पेज चेंज हो जाता है। तो ये आपका पैराग्राफ चेंज करना हो तो एंटर की अपन यूज करेंगे, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट अपन देखें, द डेटा वंस स्टोर्ड ऑन CD-ROM कैन बी। अब ये CD-ROM ये क्या होता है कि ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है ये, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में एक तो सीडी आती है, एक डीवीडी आती है ना। अब सीडी डीवीडी क्या होते हैं? सीडी का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड रोम का मतलब क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, खाली पढ़ सकते हैं। एक बार अगर लिख दिया तो अपन उसको है ना री राइट भी नहीं कर सकते, री रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते और मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। एक बार अगर राइट वंस रीड मेनी, वो वाला सिस्टम हो गया। तो राइट वंस रीड मेनी, तो ये आपका मॉडिफाई भी नहीं होगा, री रिकॉर्डेड भी नहीं होगा, ए एंड बी भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो सीडी रोम पर एक बार स्टोर किया हुआ डेटा को कर सकते हैं अपन। तो री रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, दोनों भी नहीं सकता, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी पे टिक करोगे यहाँ पे, है ना, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन देखें, एक ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस इज। कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर ग्राफिकल वे में उसको रिप्रेजेंटेशन कर दे, ग्राफिकल या विजुअल वे में अपन प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर दे या सिंबल्स के थ्रू अपन डिस्क्राइब कर दे, तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बोलेंगे जिसको किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी प्रोसेस को ग्राफिकल वे में समझाना, चित्र के द्वारा प्रदर्शन। तो संकेत या ग्राफ के थ्रू प्रदर्शन करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बी पे आप यहाँ पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ स्टूडेंट कैन नॉट बी इश्यूड मोर देन 3 बुक्स इट इज एन इश्यू ऑफ। ये अपन चाहते हैं ना कि एक स्टूडेंट को अपन 3 से ज़्यादा बुक्स इश्यू नहीं कर सकते। अगर मैं 4 बुक इश्यू करें, 5 बुक इश्यू करें, तो ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ओनली अपन है ना वैलिड ट्रांजेक्शन हो, तो अपन को इस एक्टिविटीज को अपन क्या नाम दें? तो अपने पास क्या होता है कि जब DBMS में अपन डेटा एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड्स की एंट्री अपन यूज करते हैं ना, या अपन रिकॉर्ड एंटर करते हैं, तो कई बार रेस्ट्रिक्शंस होता है डेटाबेस के साथ में। तो एक तो होता है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को अलाउ कर ले, एक होता है कि आपको सिंगल ट्रांजेक्शन ही अलाउ करे। अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो मैसेज आ जाए। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को 3 से अधिक पुस्तकें नहीं दे सकते। तो इसे अपन क्या कहेंगे? तो इसको अपन कहेंगे एटोमिसिटी, है ना, इसको अपन कहेंगे डेटा एटोमिसिटी। तो यहाँ पे बी पे टिक करोगे। यहाँ पे एक होता है डेटा आइसोलेशंस, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी नहीं होगा, डेटा इंटीग्रिटी भी नहीं होगा, डेटा आइसोलेशन में भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन अलाउ कर लेता है। यहाँ पे डेटा एटोमिसिटी होगा। यहाँ पे बी पे टिक करोगे। तो ये ACID, ये है ना एक डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ट्रांजेक्शन्स को लेके होता है। तो जिसमें A का मतलब होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी C का मतलब, I का मतलब आइसोलेशंस, ड्यूरेबिलिटी। तो ये अपन जो यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो गया ना कि एटोमिसिटी क्या होता है कि द एंटायर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डज नॉट हैपन एट ऑल। तो ये एटोमिसिटी कहेंगे यहाँ पे। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है, ये भी आप साथ में याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच कनेक्शन कैन बी थॉट ऑफ एज ए 2 लेन ब्रिज। कि जो 2 लेन ब्रिज है उन दोनों को अपन कनेक्ट कर दें, तो इसको अपन किसकी तरह सोच सकते हैं? जैसे कि हमारा होता है ना, अपन टेलीफोन से बातचीत करते हैं तो अपना पैरेलल चलता है ना कम्युनिकेट, उधर से भी डेटा गया, इधर से भी अपन सुन रहे हैं। तो फुल डुप्लेक्स है। एक होता है कि अपन डेटा को पहले सेंड करें, फिर जब वो अपना सेंड होने के बाद में फिर रिसीव करें, तो हाफ डुप्लेक्स है। एक है ना आपका ये होता है सिंप्लेक्स होता है। तो एक डेटा कई तरह से कम्युनिकेट होता है। तो ये 2 ब्रिज में डेटा जो चलेगा वो हाफ डुप्लेक्स में चलता है, हाफ डुप्लेक्स में चलेगा, पैरेलल दोनों तरफ से कम्युनिकेट नहीं होता। तो यहाँ पे है ना बी पे टिक करोगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, व्हेन 1 लेटर इज सेंड टू डिफरेंट पर्सन्स विच देन विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ MS वर्ड इज यूज्ड। कि एक लेटर है, एक कॉमन लेटर है और डिफरेंट कैंडिडेट को इसको सेंड करना है, मल्टीपल पर्सन्स को। तो ये जो एक्टिविटीज होती है, ये जो फीचर्स होता है MS वर्ड का, उसको मेल मर्ज के नाम से जानेंगे। तो एक तो सिंगल लेटर और डिफरेंट एड्रेस। तो 2 डेटा में 2 डेटाबेस, एक तो टेक्स्ट आपका डेटाबेस होगा, एक टेक्स्ट होगी, एक आपका डेटाबेस एड्रेस का डेटाबेस होगा। दोनों को मर्ज करते हुए कॉमन जो टेक्स्ट है सभी को अपन है ना जनरेट करें, सभी लेटर्स सभी एड्रेस पे डिस्पैच करें या मल्टीपल पर्सन्स को सेंड करें। तो ये एक्टिविटीज आपकी मेल मर्ज के नाम से जानते हैं अपन। तो इसका करेक्ट आंसर है ना ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच वन इज सर्च इंजन। सर्च इंजन है ना कौन सा है? तो याहू से भी अपन इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। वेब के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वेब के थ्रू अपन इन्फॉर्मेशन कैसे सर्च करें? तो ये सर्च करने के लिए कुछ अपने पास सॉफ्टवेयर है। तो याहू एक सर्च इंजन है, MSN एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट नेट है ना। MSN का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट नेट, ये भी सर्च इंजन है, रेडिफ भी सर्च इंजन है। अब ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है ना, नए नए सर्च इंजन डेवलप हो गए, जिसको अपन जैसे गूगल को मोस्टली ज़्यादातर यूज करते हैं अपन। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है ना डी होगा, यहाँ पर डी पे टिक करोगे। तो नेक्स्ट देखो, द सिक्योरिटी गार्ड पुट इन बिटवीन प्राइवेट नेटवर्क एंड इंटरनेट, ये अपना प्राइवेट नेटवर्क है, एक इंटरनेट है, तो इन दोनों के बीच में अपन अगर एक सिक्योरिटी गार्ड यूज करना चाहें कि आपका पूरा सेफ डेटा रहना चाहिए, है ना, कोई भी दूसरे अनऑथोराइज्ड जो कोई यूजर है या अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है वो एक्सेस नहीं कर पाए, तो अपन इस क्या बोलेंगे उस गार्ड को। तो नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में जो अपन एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो ये हार्डवेयर भी हो सकता है, तो फायरवॉल बोलते हैं। तो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, ये नेटवर्क में यूज होता है पूरा। तो यहाँ पे फायरवॉल पे सी पे टिक करोगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखो, विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर ए नेटवर्क दैट डज नॉट हैव ए हब, ऐसी कौन सी मतलब टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी एक तरह से नेटवर्क में कंप्यूटर का पूरा अरेंजमेंट है कि नेटवर्क में कंप्यूटर को कैसे व्यवस्थित करें, तो उसको अपन टोपोलॉजी कहते हैं। तो कनेक्टिविटी है ना, कैसे रखे कंप्यूटर की। तो वह नेटवर्क जिसमें कोई हब नहीं है, एक डिवाइस होती है, फिर के लिए कौन सी टोपोलॉजी श्रेष्ठ है। अब हब नहीं है तो सबसे श्रेष्ठ टोपोलॉजी होती है, फिर मेष टोपोलॉजी होती है। यहाँ पे स्टार है, रिंग है, बस है ना, तो सबसे ये मेष टोपोलॉजी है जिसमें आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे डी पे टिक करेंगे अपन। 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती है वैसे तो। MS वर्ड कमांड टू कॉपी ए फाइल, एक फाइल को अपन कॉपी करें किसी अदर प्लेस पे लेके जाए सेम फाइल को, तो कौन सा कमांड है ना यूज करोगे। तो कंट्रोल C कॉपी के लिए होता है, फिर उस फाइल को जहाँ अपन पेस्ट करेंगे कंट्रोल V पेस्ट करेंगे, तो कंट्रोल C से कॉपी के लिए सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे ए अपना आंसर रहेगा। फिर अगर उसको पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल V होता है यहाँ पे, तो कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी के लिए कमांड यूज करेंगे फिलहाल। नेक्स्ट कमांड है ए कलेक्शन ऑफ वर्क सीट इज कॉल्ड, तो वर्क सीट अपन जो कहेंगे ना, ये एक सिंगल सीट होती है, एक सिंगल सीट का दो, यानी कि जैसे अपनी बुक्स होती है ना, एक सिंगल पेज का दो। तो वर्क सीट जो होती है, वर्क सीट का जो कलेक्शन होगा वो वर्क बुक कहलाएगी। वर्क सीट और वर्क बुक अलग है। वर्क अपने आप में एक्सेल की जो फाइल होती है वो वर्क बुक होती है, और एक वर्क बुक में 3 सीट आती है तो वो वर्क सीट होती है। वर्क सीट एक इंडिविजुअल सीट होती है जिसमें रो और कॉलम से मिलके बनती है। तो एक वर्क बुक के अंदर वर्क सीट का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे डी पे टिक करेंगे अपन, डी पे टिक करोगे यहाँ पे। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टूल बार वी विल फाइंड द सॉर्ट कमांड। तो सॉर्ट का मतलब होता है ना कि असेंडिंग ऑर्डर है ना, या डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये कौन सी टूल बार में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है आपको। तो ये टूल बार जो होती है स्टैंडर्ड टूल बार होती है, ये वाली है ना, या फिर ये होम टैब पे मिल जाएगा। होम टैब हो गया 7 में, 10 में। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर या होम टैब के अंदर ये सॉर्ट ऑप्शंस होता है, A to Z या Z to A। डेटा को पूरा अरेंज करें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे A पे टिक करेंगे अपने पास अपन को। नेक्स्ट अपन देखें, सेलेक्ट द शॉर्टकट की टू क्लोज द डेटाबेस। अगर आपका कोई डेटाबेस खुला हुआ है उसको अपन को क्लोज करना है, तो डेटाबेस को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हेल्प लेंगे। तो कंट्रोल W भी है ना इस डेटाबेस को क्लोज करने का है, और कंट्रोल F4 से भी डेटाबेस क्लोज होता है। तो ये बहुत आंसर होगा यहाँ पे कंट्रोल W या है ना कंट्रोल F4। तो यहाँ पे B और D दोनों ही आंसर करेक्ट है। इससे भी डेटाबेस क्लोज होता है, इससे भी क्लोज होता है। तो ये और में है, दोनों B भी सही है, D भी सही है। इसका आंसर करेक्ट आंसर Alt F4 से तो एप्लीकेशन बंद हो जाती है ना। कंट्रोल C कॉपी के लिए हो गया। तो ये दो तो कमांड हो नहीं सकते, दोनों कंट्रोल W और कंट्रोल F4 ये डेटाबेस क्लोज करने का वो है शॉर्टकट कमांड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में अपन पूरा डिजाइनिंग का काम करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं पूरा। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में CAD है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और CAD का मतलब हो गया कंप्यूटर असिस्टेड टाइप सेटर। तो ये भी एक एज है ना, टाइप सेटर है, ग्राफिकल वे में पूरा ये काम करता है। तो ये CAD, CAM, CAT, तो ये ऑल ऑफ द अबव यानी ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये आंसर दोगे। तीनों ही कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर यूज होते हैं, CAD भी होगा, CAM भी होगा, CAT भी होगा। CAD का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर असिस्टेड टाइप सेटर। तो ये तीनों यानी ग्राफिक्स में यूज होंगे, तो इसका आंसर आप डी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए प्रोग्राम विच चेंजेज हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब तुम ये सब जानते हो, कंप्यूटर ओनली है ना 0 1 दो ही कोड समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज को समझता है। फिर अपन जब प्रोग्राम लिखते हैं वो अपने इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर ये सोचो कि ये कंप्यूटर जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्जन करता होगा। तो एक मीडिएटर, एक कुछ बीच में है ना सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, तो जो लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच में है ना ट्रांसलेशन का काम करते हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करेंगे तो वो कंपाइलर प्रोग्राम कहलाएंगे। ऐसे इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एक असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो तीन तरह के अपने पास ट्रांसलेटर है। तो एक तो कंपाइलर याद रखना होगा जो हाई लेवल लैंग्वेज को एट ए टाइम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक है ना आपको इंटरप्रेटर भी ये थोड़ा सा याद रखो, तो ये लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक होता है अपने पास असेंबलर होता है, तो ये भी है ना असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज 0 1 की कोड में होता है, ये भी ध्यान देने का पॉइंट है। तो इसका आंसर है ना बी पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन एमएस एक्सेस द शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द डेटाबेस विंडो। कोई भी डेटाबेस विंडो खुली हुई है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी है डेटाबेस विंडो को है ना डिस्प्ले करने की। तो डेटाबेस विंडो को डिस्प्ले करने की शॉर्टकट की F11 है, याद रखने का पॉइंट है ना, तो इस पर डी पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की शिफ्ट F7 इज यूज्ड फॉर। तो शिफ्ट और F7, F7 का अलग रोल है, शिफ्ट और F7 का अलग रोल है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। शिफ्ट और F7 ये थेसरर्स के लिए यूज होती है, जैसे होता है ना पर्यायवाची शब्द, अगर अपन को कोई भी सिमिलर शब्द निकालना हो तो थेसरर्स के लिए शिफ्ट और F7 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे डी होगा। तो चेक ग्रामर के लिए है ना, ग्रामर को चेक करने के लिए F7 होती है शॉर्टकट की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। केस सेंसिटिव, केस सेंस से हो गया चेंज केज, मतलब कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में है ना, टॉगल है फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में, तो ये चेंज केजेस के लिए शिफ्ट F3 है। शिफ्ट F3 चेंज केज के लिए होती है। और कंट्रोल हाइपरलिंक अगर इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल के, ये भी अच्छा है ना की जो काम ये याद होनी चाहिए, कंट्रोल के से हाइपरलिंक के लिए आती है। तो अभी तो अपन है ना शिफ्ट F7 है, थेसरर्स के लिए यूज करेंगे, तो इसका आंसर है ना डी होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मैग्नेटिक टेप है ना, अपने ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज अपन ने मेमोरी पढ़ी हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज में है ना अपने पास मैग्नेटिक स्टोरेज अलग होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज में जो डिवाइस यूज होती है, एक तो मैग्नेटिक टेप होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। तो मैग्नेटिक टेप क्या है, एक सिक्वेंसल स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप है ना सिक्वेंसल स्टोरेज डिवाइस है ये आपका इसका आंसर है ना ए होगा, ए पे टिक करेंगे। यहाँ पे एक रील होती है टेप रिकॉर्डर की, जैसे कैसेट होती है ना वैसे मैग्नेटिक टेप होता है, जिसमें डेटा को एक सीरियल वे में या सिक्वेंशियल वे में ही स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड ए। हार्डवेयर तो अपने आप में मशीन हो गई, फिर यूजर अपने आप में, तुम अपने आप में यूजर हो गए, तो दोनों हार्डवेयर और यूजर कंप्यूटर से कैसे जुड़े, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ने का काम करेगा। तो यूजर इंटरफेस का काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर से जोड़ेगा, तो इसका आंसर है ना ए होगा। फिर नेक्स्ट अपन देखें, द वेब इज एक्सेस्ड यूजिंग की। वेब को अपन किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी आपकी वेब साइट बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट है ना अपने पास कई तरह की साइटें होती है, तो उन साइटों को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ओपन करें, कैसे एक्सेस करें, तो ब्राउजर प्रोग्राम होता है अपने पास, तो ब्राउजर के थ्रू अपन वेब को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल क्रोम हो गया है ना, ऐसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्राउजर प्रोग्राम है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं, विंडोज़ के साथ में ये इनबिल्ट हो जाते हैं, ये डाउनलोड करके अपन नया भी डाल सकते हैं। तो ये सी, यहाँ पे सी पे टिक करेंगे अपन। नेक्स्ट देखें, कंट्रोल्स ए पॉइंटर दैट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपर एक पॉइंटर होता है जो पॉइंटर को पूरा कंट्रोल करे, अपन उसको अगर मूवमेंट, पॉइंटर का मूवमेंट करना हो तो कौन सी है ना वो होती है, तो ये माउस हो गया। माउस एक ऐसा उपकरण है जो स्क्रीन पे जो पॉइंटर जो दिखता है अपन को, उसको अपन डिस्प्ले में ना कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हो गया अपना PCI इज ए टाइप ऑफ बस होती है ये, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पी का मतलब पेरीफेरल, सी का मतलब कंपोनेंट, आई का मतलब इंटरकनेक्ट। तो ये बस होती है, डेटा को कम्युनिकेट करती है, वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाने का जो काम करते हैं। वायरों का एक ब्रिज होता है, उसको अपन बस बोलते हैं। बस दो प्रकार की होती है, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। यानी कि इंटरनल बस में फिर डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, ऐसे बहुत सारी आ जाती है। तो बस का मेन रोल है वायरों का ब्रिज है, जिसके थ्रू डेटा वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाएगा। तो पीसीआई भी एक बस का टाइप है ना। ऐसे पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यूएसबी भी एक बस का टाइप है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पे पीसीआई है ना, एक बस का टाइप है। यहाँ पे सी पे टिक करेंगे अपन। नेक्स्ट अपन देखें, टेक्स्ट कैन बी सेंट ऑन इंटरनेट यूजिंग। ये टेक्स्ट को अपन है ना कैसे भेजते हैं नेटवर्क में, है ना, या इंटरनेट पे। तो TCP/IP प्रोटोकॉल काम करता है, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। TCP का हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जहाँ नेटवर्क है, जहाँ इंटरनेट है, ये प्रोटोकॉल काम करेगा। पूरा मैसेज है, कोई भी अपन एक्सचेंज करें, फाइल को भी है ना वन प्लेस से अदर प्लेस भेजे तो TCP/IP के थ्रू जाएगी। तो अपने पास है ना HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहाँ पे TCP/IP है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट अपन देखें, विच इज ए पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक का मतलब होता है ना सार्वजनिक, जो सभी यूज कर ले। तो ये चारों नेटवर्क, तीनों जो कैटेगरी दे रखी है, ISDN, निक्सनेट हो गया, एक्सफिप्ट हो गया, ये ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा। ये पब्लिक के लिए सब ओपन है, ये यूज कर सकते, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ISDN हो गया इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, निकनेट हो गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, और स्विफ्ट। ये एक तरह से स्विफ्ट भी सोसाइटी के थ्रू होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। कई बार अपन ऑनलाइन जैसे कोई भी पैसा ट्रांसफर होता है अपन को अदर कंट्री से, इंडिया के बाहर की कंट्री है और बाहर का बैंक है, तो फिर ये स्विफ्ट कोड अपन को है ना हर वो अपन को प्रोवाइड करेगा बैंक। तो ये इंटर बैंक हो गया एक तरह से फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस में यूज होता है इसका। तो ये चारों है ना एक तरह से पब्लिक नेटवर्क है। फिर नेक्स्ट देखिए अपन, इन विच नेटवर्क द ब्रेकिंग ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट अदर नोड। कि अगर कोई नेटवर्क डाउन हो जाए या टूट जाए अपना, तो उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए। तो कौन सा नेटवर्क वो सही रहेगा? तो ये है ना एक तरह से स्टार नेटवर्क हो गया अपने पास। अगर स्टार नेटवर्क में है ना इस तरह का अरेंजमेंट होता है, तो अगर आपका एक नेटवर्क भी ब्रेक हो गया तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा दूसरे नोड पे। तो यहाँ पे स्टार पे टिक करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें, स्क्रॉल लॉक की इज। कि स्क्रॉल लॉक कौन सी की है? तो आप ऐसे याद रख लो कि कोई भी कीबोर्ड पे कीज होती है, अगर वो ऑन और ऑफ पे काम करती है। जैसे कैप्स लॉक है, एक बार प्रेस करोगे लाइट ऑन होगी, अगेन प्रेस करोगे ऑफ होगी, है ना, अगेन प्रेस करोगे ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ऐसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, तीन कीज होती है। तो वो टॉगल की कहलाती है। टॉगल का मतलब होता है जो ऑन और ऑफ पे वर्क करती है, उसको अपन टॉगल बोलेंगे। तो स्क्रॉल लॉक है ना किस तरह की है? ये टॉगल की है। तो इसके आंसर है ना सी पे टिक करोगे। फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।